भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी मकरंद देउस्कर के घर के सामने से चंदन की लकड़ी की चोरी का मामला सामने आया है। चंदन के पेड़ काटे जाने और चोरी होने के बाद हबीबगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। भोपाल में चोर किस कदर बेखौफ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भोपाल में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाने वाली चार इमली ही अब सुरक्षित नहीं है। कहने को तो यहाँ मंत्री अफसर और अधिकारियों के घर बने हुए हैं, लेकिन चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोर अब यहाँ से चंदन के पेड़ की चोरी कर रहे हैं। ताजे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी मकरंद देउस्कर के घर के सामने लगे चंदन के पेड़ को चोरी कर चोर फरार हो गए। इसके बाद अब हबीबगंज पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब पेड़ काटे जा रहे थे तब कोई गश्त नहीं हुई थी। यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक एडीजी रैंक के अधिकारी के घर भी लाखों की चोरी हो चुकी है, वो मामला भी अब तक नहीं सुलझा पाए हैं। अब सवाल यह है कि जब राजधानी भोपाल का पौश इलाका ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरे जिलों का क्या होता होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।